मतलब आज बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ कि स्कूल आई हूँ। आज यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को देखकर बहुत टाइम के बाद मैं देख रही हूँ कि सब ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। टीचर्स को देख के मतलब एक वो उम्मीद सी जागे ना, कुछ ठीक हो रहा है अब धीरे धीरे। मगर हमारा अब हमारा भी हक बनता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, अपने साथ मतलब दूर दूर बातें करनी चाहिए, ये नहीं कि एक साथ हम रहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ, घर वालों ने तो परमिशन नहीं दी थी, फिर जब घर वालों को कन्विंस किया तो उसके बाद घर वाले मान गए परमिशन देने के लिए। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम स्कूल आ गए 6 महीनों के बाद। उससे पहले तो आर्टिकल का भी किस्सा था जिसकी वजह से हम 1 साल तक पढ़ नहीं पा रहे थे। हम बहुत ज़्यादा खुश है कि हम स्कूल आ गए हैं। हम आगे भी चाहते हैं कि स्कूल खुले रहे। और जो ये 2G का मसला था उस पर स्टडी तो होती नहीं थी, टोटल नहीं, कभी डिस्कनेक्ट होता था, कभी आवाज़ नहीं आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी उस पर। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके बाद भी हमारे स्कूल खुले रहे ताकि हम पढ़ पाए, हम कुछ कर पाए। ऑनलाइन पर हम क्या करेंगे, 2G स्पीड है, वरना तो 4G होना चाहिए कि जिसपे हम पढ़ सकते थे। 2G स्पीड पे तो हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ना आवाज़ आ रही है उस पर है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं स्कूल खुल रहे हैं, बहुत उम्मीदें लेके आते हैं हम स्कूल। तारिक अहमद पुरा, आई एम वर्किंग एज लेक्चरर इन कोठीबाग। तो आज बच्चों को जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ फॉलो कर रहे हैं, हमारा सारा स्टाफ लगा है इसमें। और जहाँ तक कई महीनों के बाद स्टार्ट हो रहा है अब क्लासेस, इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, क्योंकि एक डिप्रेशन सा हो गया था बच्चों में भी और टीचिंग स्टाफ में भी। नो डाउट कि टीचर्स वर इम्पॉर्टिंग इंस्ट्रक्शंस थ्रू जूम क्लासेस टू द स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी सेटल एक जो माहौल और सेटअप जो होता है ना स्कूल का, तो वो इन महीनों में काफ़ी वो ख़राब हो गया है। इंशाल्लाह लेट अस होप दैट थिंग्स विल बी सेट राइट by the government as well as the teaching staff will put their hot oil into it, aur bacche bhi thoda motivate ho jaye school aane mein kyunki sare precautions hum le rahe hain, we are following the instructions of government. जो भी आज बड़े से आफ्टर 6 मंथ स्कूल्स आर जस्ट ओपनिंग, तो ये पेरेंटल कंसेंट पे स्कूल खुल रहे हैं। जब पेरेंट्स बच्चे को अलाउ करेंगे तो वॉलंटरली दे कैन कम टू द स्कूल बाय टेकिंग मेनी अ प्रिकॉशन जस्ट एज वेयरिंग ऑफ द मास्क एंड कीपिंग अ डिस्टेंस लाइक दैट एंड जस्ट यूजिंग ऑफ सैनिटाइजर्स एंड ऑल द थिंग्स। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होंगे या बस कंसल्टेशन? नहीं, आज पहला दिन है, लग जाएंगे क्लासेस के लिए। आए हैं टीचर सारे, तो देखते हैं कितने बच्चे आए हैं, सोशल डिस्टेंस करके इनका क्लास लेंगे, ऑफलाइन क्लासेस होंगे इनके। तो इनके लिए क्या एक मैसेज रहेगी कि कैसे इनको यहाँ पे रहना? इनके लिए यही मैसेज है कि मतलब हम इनको बोलेंगे कि सोशल डिस्टेंस करो, एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस, और यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स, वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड मास्क।